गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के कटियासिया टोल प्लाजा पर शनिवार की भोर में घने कोहरे के बीच टोल के डिवाइडर से जा टकराई 5 गाड़ियां हुई पूरी तरह क्षतिग्रस्त। घायलों को एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। गोरखपुर में ठंड से हाल बेहाल, गलन ने बढ़ाई दुश्वारियां। ठिठुरन के साथ घने कोहरे का प्रकोप है जारी, लाइट जलाकर रेंगती हुई चली गाड़ियां। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नगर निगम में स्थित आईटीएमएस सेंटर से एक वीडियो और पोस्टर किया लॉन्च। गोरखपुर जनपद वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील। तिलवाताल थाने की पुलिस टीम ने आपराधिक षड्यंत्र बनाकर लूट की झूठी सूचना देने के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 2,70,800 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। सदर सांसद अभी किशन ने ग्रामीण व शहरी विधानसभा में चलाया दीवार लेखन अभियान, कहा एक बार फिर से मोदी सरकार। एम्स थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप की अध्यक्षता में रामनगर करजहां में पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कहा लोकसभा चुनाव में जीतेंगे यूपी की 80 सीट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर में प्रथम आगमन पर नागरिकों के द्वारा एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर तक पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन स्वीकार, लोगों ने लगाए जमकर जय श्री राम के नारे।